जादुई कुआं। माधवपुर नाम के एक गांव में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था और वो लोगों को पैसे उधार दिया करता था, लेकिन उन पैसों का ब्याज भी लिया करता था। रामलाल के पूर्विकों ने भी यही काम किया था, जिससे रामलाल भी यही करता था। जितनी दौलत उसके पूर्विकों ने उसे दी थी, उसने उस कमाई को 4 गुना ज्यादा कर लिया था। इतना पैसा रहने के बाद भी रामलाल को हमेशा यही पड़ी रहती थी कि वो और पैसा कैसे कमाए। उनके गांव में रहने वाले बहुत सारे किसानों के खेत, भेड़ बकरी, घर, सोना जायदाद, बहुत सारी चीजें लेकर उनको पैसे दिया करता था। लेकिन एक बार जो चीज रामलाल के हाथ लग जाए, उसको वापस पाना उन किसानों के लिए सपना ही था। क्योंकि अगर जो पैसे उसने उधार दिए थे उनको वापस नहीं करेंगे तो वो उस पर ब्याज डाला करता था। अगर वो भी नहीं दे पाए तो उन पैसों का 2 गुना ज्यादा ब्याज मांगा करता था, जो कि उन गरीबों की बस की बात नहीं थी। रामलाल के बारे में सारे गांव को पता होने के बावजूद भी सारे गांव के लोग उसी के पास उधार लिया करते थे, क्योंकि उस गांव में सिवाय रामलाल के और कोई पैसा उधार देने वाला नहीं था। मेरे भाई गोपाल, तुमने कहा था कि शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं अभी रामलाल के पास जाकर कुछ पैसा उधार लेकर आऊंगा और तुम शहर जाकर अच्छे से पढ़ाई करना। नहीं भैया, ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। मेरी पढ़ाई के खातिर उस रामलाल से पैसे लेना बिल्कुल ठीक नहीं है भैया। हमारे बाऊजी ने भी खेत के कागजात देकर उससे पैसे लिए थे, जो कि हमने आज तक उसे वापस नहीं किए और ना ही हमारा खेत हमें वापस मिला है। अब एक और बार आप ऐसी गलती मत कीजिए भैया। कोई नहीं, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कुछ नहीं हो जाएगा भैया, लेकिन आप उस रामलाल से पैसे बिल्कुल मत लेना। हाँ मेरे भाई, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। ठीक है, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। अभी तुम जाओ और सो जाओ, वैसे बहुत देर हो गई है। कृष्णा अपने छोटे भाई को समझाकर वहां से भेज तो देता है, लेकिन कृष्णा को ये बात अच्छे से पता थी कि उसको पैसा देने वाला सिवाय रामलाल के और कोई नहीं है। आपने गोपाल से झूठ क्यों कहा था? वैसे तो हमारे गांव में सिवाय उस रामलाल के पैसा देने वाला कोई और है भी नहीं। हाँ सीता, जैसे मेरे बाऊजी ने मेरे भविष्य के बारे में नहीं सोचा था, वैसा मैं मेरे छोटे भाई के साथ नहीं कर सकता। मेरे छोटे भाई का भविष्य अच्छा होना चाहिए, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे और अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से जी पाए। उसके भविष्य में कोई परेशानी आए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कृष्णा ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि जो जिंदगी वो जी रहा है वैसी ही जिंदगी उसके भाई को भी जीनी पड़े। इसीलिए कृष्णा अपने जमीन, खेत और जायदाद के कागजात लेकर रामलाल के पास जाता है और उनके बदले में थोड़ा सा पैसा लेकर उसके भाई को पढ़ाई के लिए शहर भेज देता है। इसी तरह 3 साल गुजर गए थे। कृष्णा को उसके खेत का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वो ब्याज के पैसे रामलाल को नहीं दे पाया था। लेकिन रामलाल इसी बात का फायदा उठाकर उसके ब्याज पर 2 गुना पैसा ब्याज का डालता है और फिर उसे परेशान करने लगता है। फिर एक दिन रामलाल ने कृष्णा से कहा कि सारा का सारा पैसा वो अभी के अभी लौटाए, वरना उसकी सारी जायदाद वो अपने नाम कर लेगा। तभी कृष्णा का छोटा भाई गोपाल अपनी पढ़ाई खत्म करके गांव वापस लौटता है। गांव वापस लौटने के बाद ही गोपाल को ये बात पता चली थी कि उसके भाई ने उसके लिए क्या किया था। रामलाल की हरकतों से उसके बड़े भाई की ये हालत देखकर गोपाल से बर्दाश्त नहीं हुआ था। गोपाल ने ये फैसला कर लिया कि किसी भी तरह उस लालची रामलाल को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। भैया, आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि आप यहाँ इतने परेशान हैं? जिस खेत के सहारे हमारा घर चल रहा था,
आपने वो भी उसके नाम कर दिया। देखिए ना अब घर कितना मुश्किल चल रहा है। अरे मेरे भाई, जो गलती बाऊजी ने मेरे साथ की थी मैं वो तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था। मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया था ताकि तुम अपनी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ना देखो। ये रामलाल के पास जो मैंने पैसा लिया था उसने उसका ब्याज डाला था और मैंने थोड़ी देर क्या कर दी, उसने उस ब्याज को दुगना कर दिया। ये सब बातें तुम छोड़ दो, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन मेरे भाई, तुम शहर में एक अच्छा सा काम ढूंढ लेना और अपनी जिंदगी हमेशा खुशी से जीना। मैं तो बस तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया, ये आपको क्या हो गया है? अगर देखा जाए तो आपको ये सारी परेशानियां मेरी वजह से ही मिल रही हैं। ऐसी हालत में आपको छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? वैसे भी ये रामलाल के अन्याय दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा भैया। गोपाल ने जो योजना बनाई थी उसके बारे में और रामलाल को सबक कैसे सिखाया जाए, ये सारी बात उसके बड़े भाई को समझाता है। फिर गोपाल और कृष्णा दोनों ही मिलकर गांव की बहुत पुरानी और बंद पड़ी एक कुएं के पास जाते हैं। गोपाल बहुत ही समझदार और होशियार भी था, उसने इंजीनियरिंग पढ़ी थी। उसने एक लकड़ी का हाथ बनाया था और साथ ही में एक गोल तरह का कमरा बनाया था जिसमें सांस लेने के लिए उसने ऑक्सीजन सिलेंडर को भी लगाया था। फिर उस लकड़ी के हाथ को कंट्रोल करने के लिए उसने उसके अंदर मोटर्स भी लगाए थे। सारी चीजें तैयार करने के बाद उन सारी चीजों को उस कुएं में उतारता है और फिर उसमें लगा देता है। ये सारा काम खत्म करने के बाद कृष्णा और गोपाल दोनों मिलकर रामलाल के घर जाते हैं। अरे कृष्णा, पैसा लेकर आए हो ना? वैसे मैं जानता हूँ कि तुम सारा पैसा लेकर आओगे। अच्छा, क्या यही है तुम्हारा छोटा भाई जो शहर में पढ़ाई करके आया है? अरे बेटा, कैसे हो? सुना है तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो और शहर में कोई अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी तुमको। अगर तुम्हें पैसा की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे घर के कागजात लाकर मुझे दे देना, जिसके बदले में जितना पैसा चाहोगे मैं दे दूंगा। अरे रामलाल जी, वो मुझे पैसा अभी मिला नहीं है। आप अगर एक और दिन का समय मुझे दे देंगे तो मैं सारे ब्याज का पैसा आपको लौटा दूंगा, यही कहने के लिए आपके पास आया था। क्या पैसा नहीं मिला? इतने दिनों से तुमने पैसा नहीं दिया है, अब एक दिन में इतना पैसा कहाँ से ला कर दोगे? और वैसे भी तुम्हारी बात का विश्वास मैं कैसे कर लूंगा? अरे रामलाल जी, हम आपसे ज्यादा समय थोड़ी ना मांग रहे हैं, बस एक दिन का मौका तो मांग रहे हैं। सारा का सारा पैसा हम वापस कर देंगे। अच्छा ठीक है, एक दिन का समय मैं तुम लोगों को देता हूँ। अगर कल तक सारा पैसा नहीं लौटाओगे तो तुम्हारे खेत और जमीन को भूल ही जाना, वो सारा मैं अपने नाम कर लूंगा, याद रखना। कृष्णा और गोपाल दोनों मिलकर रामलाल के घर से अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह वो दोनों मिलकर रामलाल के घर जाते हैं। रामलाल जी, ये लीजिए, जो पैसा आपको देना था वो सारा ब्याज का पैसा मैं लेकर आया हूँ। क्या सच में ही पैसा लेकर आए हो? अरे इतने दिनों में जो पैसा नहीं ला पाए वो एक ही दिन में कैसे आ गया है कृष्णा? अरे मालिक, सारी भगवान की कृपा है, कल मैं आपका सारा पैसा वापस कर दूंगा। आप हमारे खेत के सारे कागजात तैयार रखिएगा। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर इन लोगों के पास इतना पैसा कहां से आया होगा? क्या मेरे सिवा इस गांव में कोई दूसरा पैसा उधार देने वाला तो नहीं आ गया? इस बात का तो पता लगाना ही पड़ेगा। अरे साहेब, ऐसा कुछ भी नहीं है,
हम कल आपका पैसा लौटा देंगे, अभी हम चलते हैं। ये कहकर कृष्णा और गोपाल दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रामलाल के ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इनके पास पैसा कहाँ से आ गया है। किसी भी तरह ये बात पता लगानी ही होगी। ये सोचकर रामलाल ने कृष्णा का पीछा करना शुरू किया था। कृष्णा उसे ना देखे इसलिए वो छुपते छुपाते कृष्णा का पीछा करने लगा। जैसे ही कृष्णा उस पुराने कुएं के पास जाकर खड़ा होता है, तभी रामलाल भी एक जगह छुपकर उसे देखने लगता है कि आखिर कृष्णा कर क्या रहा है। कृष्णा ने उसके हाथ में जो पोटली थी, उस पोटली को उस कुएं के अंदर डाल देता है। फिर देखते ही देखते उस कुएं से एक बहुत बड़ा हाथ निकलकर उसे दो पोटलियां देकर वो हाथ अंदर वापस चला जाता है। ये देखकर रामलाल तो परेशान ही हो गया था, अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये सोच रहा था कि आखिर ये सब कुछ सच है या कोई सपना। फिर सच्चाई का पता करने के लिए रामलाल कृष्णा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे कृष्णा, ये तुम क्या कर रहे थे? मैं सब कुछ वहाँ दूर खड़ा देख ही रहा था, क्या छुपा रहे हो तुम? जल्दी बता दो सच्चाई। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है। ठीक है, अब मैं जो कहूँगा उसे ध्यान से सुनो। जो पैसा तुमने मेरे पास उधार लिया है, वो सारा का सारा मैं माफ कर दूंगा, और तुम्हारे जमीन और जायदाद के सारे कागजात भी वापस कर दूंगा। लेकिन ये सारा पैसा तुम्हारे पास आ कहां से रहा है, ये मुझे बताना होगा। वो साहेब, असल में बात ये है कि ठीक है आपसे बता देता हूँ, लेकिन आप किसी और को मत कहना, ये एक बहुत ही रहस्य की बात है। हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगा, जल्दी बताओ आखिर बात क्या है। वो बात ये है रामलाल जी, कि जो पैसा मैंने आपसे लिया था, उसके ब्याज के पैसे तो मैं आपको दे ही नहीं पाता था, जिसके कारण मैं बहुत परेशान रहता था। फिर एक दिन मेरे सपने में मेरे बाऊजी आए थे, मेरी ये हालत देखकर वो बहुत परेशान हो गए थे और मुझसे कहा कि अगर मेरी ये सारी परेशानी दूर होनी है तो मुझे उस पुराने कुएं के पास जाना पड़ेगा, और उन्होंने कहा था कि वो कुआं एक जादुई कुआं है, उसके अंदर अगर हम कोई एक चीज डालेंगे तो वो कुआं हमें वैसे ही दो चीजें वापस करेगा। लेकिन जब मैं सुबह उठा था तब मुझे पता चला कि ये सब सच नहीं, एक सपना है। फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अगर एक बार जाकर कोशिश करे तो क्या हो जाएगा। फिर मैं वहां गया था, वहां जाने के बाद मैंने देखा कि वहां तो सच में ही एक पुराना कुआं पड़ा है जो कई सालों से बंद पड़ा है। फिर मैंने जो एक सिक्का मेरे पास था, उस सिक्के को मैंने कुएं में डाल दिया था। फिर देखते ही देखते उस कुएं से एक बहुत बड़ा हाथ निकला था, जिससे दो सिक्के आकर मेरे पास गिर गए थे, जो देखकर मैं बहुत ही परेशान हो गया था। पहले तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है या नहीं। फिर जो दो सिक्के मेरे पास थे, वो दोनों ही सिक्के मैंने उस कुएं में डाल दिए थे। फिर वही कोई जादुई हाथ आया और वैसे ही चार सिक्के लाकर मेरे पास फेंक कर चला गया। मुझे तो बहुत ही आश्चर्य हुआ था। फिर तब मुझे विश्वास हो गया था कि ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है, और वो कुआं जादुई कुआं है। मैं घर वापस जाने के बाद मैंने ये सारी बात मेरी पत्नी को बताई थी। फिर जो सोने की अंगूठी मेरी पत्नी के पास थी, वो लाकर मैंने इस कुएं में डाला था। फिर देखते ही देखते वो जादुई हाथ आकर मुझे दो अंगूठियां देकर वापस अंदर चला गया था। जो पैसा मैंने आपको लौटाया है, वो पैसा भी मुझे इस कुएं ने ही दिया था। क्या?
क्या ये सब सच है? अगर ये सब सच है तो मैं भी एक बार कोशिश करता हूँ। ये कहता हुआ रामलाल जो उसके गले में हार था उसे निकालकर उस कुएं में डाल देता है। फिर देखते ही देखते उसी तरह के दो हार वो बड़ा सा हाथ लाकर जमीन पर डालकर वापस अंदर चला जाता है, जिसे देखकर रामलाल तो हैरान ही रह गया था। फिर तभी रामलाल को एक ख्याल आता है। रामलाल ने सोचा था कि जितना सोना उसके पास है वो सारा का सारा सोना लाकर उस कुएं में डाल देगा, जिससे वो सारा सोना दुगना हो जाएगा। फिर वो दो गुना सोना दोबारा कुएं में डालेगा, जिससे उसका सोना चार गुना बन जाएगा। अरे कृष्णा, ये तो सच में ही कोई जादुई कुआ है। जैसे मैंने कहा था वैसे ही तुम्हारे खेती के सारे कागजात तुम्हें मैं वापस लौटा दूंगा। लेकिन हाँ, ये बात किसी से मत कहना, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। जी, मैं भी ऐसा ही करूँगा। रामलाल और कृष्णा मिलकर रामलाल के घर जाते हैं। फिर रामलाल कृष्णा को उसके खेत के सारे कागजात वापस लौटा देता है। फिर जो सोना उसके घर में था उसको चार पोटलियों में बांधता है और फिर सारे सोने को उसकी कार में डालकर वहां से कुएं के पास जाता है। सोने के वो चारों ही पोटलियों को वो कुएं में डाल देता है। फिर कुछ ही समय बाद उस कुएं से पूरी 8 पोटलियां बाहर आती है, जिसे देखकर रामलाल बहुत ही खुश हो गया था और एक भी पल उसने देर नहीं की थी। वो 8 के 8 पोटलियां भी उसने कुएं में डाल दी थी। फिर कुछ ही देर बाद पूरी की पूरी 16 पोटलियां उसके सामने आकर गिरी थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गया था। आज के लिए इतना काफी है, कल फिर आकर यही काम करता रहूंगा। मेरे बाद की सारी पीढ़ियां आराम से जी पाएंगी। और तो और, मेरा काम अब बहुत सारे शहरों में भी शुरू करूंगा। ये सोचता हुआ रामलाल वो सारी पोटलियां लेकर उसकी कार में डालकर वहां से अपने घर चला जाता है। जैसे ही रामलाल घर के लिए निकलता है उस कुएं से गोपाल बाहर निकल आता है और रामलाल ने जो सोने की 4 पोटलियां सबसे पहले डाली थी उन चारों पोटलियों को ले लेता है। उधर रामलाल जो पोटलियां लेकर गया था उन सारी की सारी पोटलियों को खोलकर देखता है, उनमें तो कोई सोना नहीं था बल्कि उन पोटलियों में तो पत्थर भरे पड़े थे। जितनी धन दौलत उसने कमाई थी वो सारी की सारी उसने गवा दी थी। फिर रामलाल को पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी और उसको कितना बड़ा धोखा मिला था। कृष्णा और गोपाल गांव वालों को ये सारी बात बता देते हैं। फिर उस गांव के लोगों ने एक पंचायत रखी थी, जिस पंचायत में रामलाल भी शामिल हुआ था। कृष्णा और गोपाल ने रामलाल के सारे अन्याय के बारे में सारे गांव वालों को बताते हैं कि वो किस तरह पैसे उधार देता है और फिर ब्याज मांगता है। अगर वो पैसे लौटाने में देर हो गई, तो उस ब्याज पर दुगना ब्याज डालकर गरीबों से पैसा छीनता है और किस तरह सारे किसानों की जमीन, खेत, जायदाद, जानवर वगैरह पे उसने कब्जा कर रखा था। ये सारी बातें जानने के बाद सारे गांव वालों को ये पता चला कि रामलाल कितना अन्याय करके गांव वालों का पैसा खाया करता था। ये सारी बात पता चलने के बाद गोपाल और कृष्णा ने ये शर्त रखी कि अगर रामलाल के पास जो भी किसानों के पैसे या फिर कोई चीजें हैं उन सबको वापस कर देगा तो वो सोने की 4 पोटलियां रामलाल को वो दोनों वापस कर देंगे। इस बात से गांव के सारे लोग राजी हो गए थे। रामलाल अब कर भी कुछ नहीं सकता था, इसलिए उसने भी इस बात पर हाँ कह दी थी। इस तरह कृष्णा और गोपाल दोनों भाई ने मिलकर गांव की सारी समस्या का समाधान निकाल लिया था। गांव वाले भी उन दोनों से बहुत खुश हुए थे और उनकी बहुत तारीफ करने लगे। इस तरह रामलाल ने भी ब्याज का पैसा देना बंद कर दिया था।